तो यार गाड़ी वाले करो, गाड़ी वाले करो, ओ मम्मी तो यार हमने रिकॉम्पियो को पीछे छोड़ दिया क्योंकि भाई वहाँ पे कुछ है नहीं। तो हम निकल चुके हैं काजा वाले रूट पे, तो देखते हैं भाई रुकना है बीच में कि क्या है क्या नहीं है। जैसा भी होगा ब्लॉग में आगे आपको पता चल ही जाएगा। तो यार गाड़ी वाले करो, गाड़ी वाले करो, ओ मम्मी बहुत तेज गिरा हूँ यार, ओ बाप रे, लगी है कट गई हाथ, पैर भी कट गया है। यहाँ आगे रुक, पता नहीं, अरे यार पता है ये मुझे लगा ना आगे उधर रोड वैसे था, तो मुझे लगा वैसे ही होगा, ये कोई पानी है। पैर भी लगा है, पैर भी लगा है, हाथ भी। सुनिए इसको लगाना, फिर चोट लगा है बहुत तगड़ा वाला, आगे रुकते हैं तो देखते हैं। कुछ भी हुआ छोड़ो, नहीं कुछ भी हुआ छोड़ो, गाड़ी गाड़ी उसको पकड़ के लाते हैं। हाथ कट गया है, बहुत बुरा गिरा हूँ यार। सुनिए भाई, तो गाइस यार आप देख सकते हैं नीचे पूरा बर्फ है और मेरी गाड़ी यहाँ से स्लिप की है, वहां तो पूरी गाड़ी स्लिप करती हुई गई है। स्टार्ट करके नहीं ले जाओ, स्टैंड उठाओ, स्टैंड स्टैंड उठाओ, स्टैंड उठाओ, आराम से एकदम स्लो, धीरे एकदम धीरे। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है गिर गया, ऐसे नहीं घुमा के दो, घुमा के दो, ठीक है रुको 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 रुको, एक मिनट ये इधर आना और सही करो इसको। तो यार
आप लोगों ने देखा भाई गाड़ी, क्या ही बताऊं यार, कैमरा तो बंद था बट बहुत बुरा गिरा हूँ यार भाई, कुछ अभी बात कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी आगे कहीं रुकते हैं, रूम लेते हैं फिर बात करते हैं। तो यार भाई एक्सीडेंट होने की वजह से भाई रात में ड्राइव पे क्या ही होता है यार, रोड पे अभी बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस जमे हुए हैं। तो यार यहाँ पे अभी जस्ट हमने रूम लिया है और भाई साहब सुबह दिखाएंगे बाइक की जो भी हालत है और जो भी टूटी फूटी जो भी होगी, मतलब भाई क्या ही होता हूँ यार। ओ भाई दिखाते हैं आपको, मिलते हैं एक मिनट रुक जाइए अभी। तो यार अभी जस्ट हमने एक रूम लिया यहाँ पे और भाई बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है भाई, 1500 रुपये पर पर्सन, और भाई रूम नहीं लेते अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो, लेकिन क्या कर सकते भाई, प्रॉब्लम है तो लेना तो पड़ेगा ही। और ये हमारे सोनी भैया हैं, कुछ क्या बच गए, बहुत बड़ी चीज़ है, 1500-1800 की बात ना करो भाई, मतलब अगर आगे से गाड़ी आती ना तो आज पता नहीं टिकट कट जाता पक्का है। और मिलते हैं अभी कुछ देर के बाद और आपको रूम दिखाते हैं, ये है रूम। तो यार फाइनली हम लोगों ने खाना वाला खा लिया है और भाई साहब ये हमारा रूम है आप देख सकते हैं, और ये हमारे सोनी भैया बैठे हुए हैं हीटर के पास। सर क्या हालचाल है भाई, रील्स बना रहा हूँ आने वाली है अभी। ये हमारे लक्ष्मण भैया बैठे हुए हैं, तो ये हम लोग का रूम है भाई, और अभी जस्ट ही खाना वगैरह खा के बैठा गया है और अभी अब सोने का प्लान करते हैं, या तो देखते हैं वीडियो वगैरह एडिट करना है, मन करेगा तो करेंगे नहीं तो फिर सोएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट मॉर्निंग में, तक के लिए बाय बाय गुड नाइट। अभी बोलेंगे सर गुड नाइट भाई, अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग को झेल है, आप मत झेलो, बस इतना ही बोलना, गुड बस, हर हर महादेव, हर हर महादेव, गुड नाइट फिर से एक बार। मॉर्निंग गाइज, हर हर महादेव। तो यार जब अभी हम सो के उठे हैं और भाई हम इस समय हैं स्किब्बा में, और भाई साहब रात में आप जाने लो यार एक्सीडेंट वगैरह हो चुका हो गया था, और भाई अभी सो के उठे हैं, फ्रेश वगैरह होके आ ही रहे हैं, और आपको दिखाते हैं ये रूम था हम लोग का रात में जो था, रात में भी आपको दिखाई था, ये सब अभी लगेज वगैरह हमारा पड़ा हुआ है और कुछ लगेज बाइक पर ही पड़ा हुआ है। और भाई साहब यहाँ से आपको कुछ सीन दिखाते हैं जो यूँ दिखता है यहाँ से। और दिखाते हैं बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा जो है, बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे कैंपिंग का भी वो था जो कि हम लोग के अंडर ही था ये भी, बट यहाँ पे नहीं सोया क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा थी। और इधर कुछ यूँ था, और भाई साहब और भैया क्या हालचाल है, ये भैया है जो कि इनके पास रुका गया था हम लोग। हेलो हेलो सभी को, हेलो नमस्कार। हाँ जी सर, आपको किस तरह से फील हुआ होम स्टे? बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा ही। ठंड तो नहीं लगी रात को? नहीं नहीं, ठंडक नहीं लगी। हाँ जी बहुत सर, अच्छा था। हाँ, थोड़ा पानी की दिक्कत रही थी क्योंकि अब जम गया, टेम्परेचर माइनस में तो जमेगा ही, बट कोई नहीं, मतलब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ठीक है जी, ये बाहर के नज़ारे आप देख सकते हैं। और भाई साहब मैं पता है किस पे चल रहा हूँ, ये व्यू देखो ये था कुछ सीन, और इधर ये टॉयलेट वगैरह था। तो अभी सामान वगैरह पैक करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, अभी चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं भाई बाइक में क्या क्या नुकसान हुआ था। और भाई साहब ये देखो क्या हाल चाल, हेलो। और ये बड़ा वाला बैठा हुआ है इधर, हेलो हेलो, बढ़िया है। तो यार ये हमारी बाइक खड़ी है आप देख सकते हैं भाई, रात में गिरी थी तो ये सब रगड़ा वगड़ा गया है, और भाई साहब ये आप शीशा देख सकते हो पूरा टर्न हो गया है, इंडिकेटर भी चला गया है, फ्री हो गया पूरा, और ये सब रगड़ा गया है, और रात में गिरी थी ना ये पूरा फोल्ड हो गया था ये। फिलहाल वाइजर, वाइजर में नहीं लगा इसलिए क्योंकि ये बैग था ना
ये आप देख सकते कितना गंदा रगड़ाया है ये। और अभी चलने के बाद ही पता चलेगा और प्रॉब्लम्स इसमें क्या है, क्योंकि जस्ट आगे हुआ था तो फिर रात में आके हम लोग बाइक खड़े कर दिया था यहाँ पे। और भाई साहब मतलब क्या ही बताऊँ यार, बहुत ही गंदा वाला सीन हुआ था रात में। तो चलते हैं उधर देखते हैं और आपको इधर का नज़ारा दिखाते हैं। चलो लक्षण भाई सामने का नज़ारा देख सकते हैं आप, एक नंबर वाला है भाई, एक नंबर वाला। यार चलते हैं नीचे की तरफ। ओ भाई साहब ये लोग जहाँ नहीं वहाँ लिवा के चले, क्या ही बताऊँ। ओहो बिना रास्ते के रास्ते चलना पड़ रहा है, सूज भी नहीं पहना मैंने। ओहो और भाई साहब क्या ही बताऊँ, ठंडक से हालत खराब हो रही है। तो बस यही देखने के लिए वहां से यहाँ आया था नीचे। तो यार फाइनली हम इस किब्बा से निकल रहे हैं और भाई साहब हम दिल्ली से चले थे 6 और बचे अभी केवल 2 हैं। मतलब यार किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हुई, वो अपने घर को चले गए और जस्ट अभी हम बस सोनी भाई और हम 2 जन बचे निकलते हैं काजा के लिए। और भाई साहब यहाँ से हमारा टॉप जर्नी स्टार्ट हो रहा है। भाई साहब कितना बड़ा ब्रिज है, बहुत ही बड़ा है आप देख सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है।